कि इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में हो रहे फ्री ट्रेनिंग के बारे में। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये आपका फ्री ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसमें 8 कैंडिडेट, 10th कैंडिडेट या आप 12th किए हैं या ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। तो और यहाँ पे फ्री जो है ट्रेनिंग आप यहाँ पे पा सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आपको इस ट्रेनिंग तक पहुँचनी है और कैसे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करनी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उससे पहले हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, उस सेंटर को पहले हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस सेंटर को पहले आप देख लीजिए कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी कहाँ होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे कि आपको चारों तरफ से ये व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग का ऑफिस है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी वेरीफाई होती है, ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई के लिए ये आपका यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी जो ट्रेनिंग कराई जाती है, सारी ट्रेनिंग 3 मंथ्स, 2 मंथ्स या 1 मंथ्स के होंगे, जिसमें से आपको सारी ट्रेनिंग फ्री में कराए जाएंगे, रहने खाने और वहाँ पे सारी एजुकेशन के फैसिलिटी जो है फ्री दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये मैम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रियंका मैम है, ये सेंटर मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गर्ल्स के लिए आपका स्पेशली ये दिया गया है, जैसे कि गर्ल्स का यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके पर डे आपका यहाँ पे लाइन से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। सेंटर आपको घुसने से पहले जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, ये देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पे आपका अटेंडेंस बनाया जाता है कंप्यूटराइज से। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका ट्रेनिंग सेंटर का रूम है, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, बताई जाती है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पर कौन कौन सा ट्रेनिंग कराई जाती है वो भी हम आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सिलाई मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से रिलेटेड यहाँ पे सिखाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सारी जितने भी गर्ल्स हैं, ये सारी गर्ल्स को यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है। जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में सिखाई जाती है, ठीक है। रहने खाने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध फ्री में कराया जाता है झारखंड गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सब सारी ट्रेनिंगें यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। मैनुअली सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे आपको यहाँ पे ड्रेस बनाना है और कैसे आपको आगे चल के आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ के थ्रू आपके यहाँ पे प्लेसमेंट भी कराई जाती है। अगर यहाँ पे अच्छी तरह से आप यहाँ पे डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो आगे फैशन डिज़ाइन के लिए भी आपको वहाँ पे आगे के लिए प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे सिखाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर का कोर्स भी कराया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ कंप्यूटर से सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है, सिखाई जाती है अच्छी तरह से, ठीक है। जब आपकी सारी कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कंपनी के तरफ से बहुत सारा यहाँ पे प्लेसमेंट कराई जाती है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे और बॉयज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए हम आपको यहाँ पर दिखाए और यहाँ पर बॉयज़ के लिए भी आपको हम बताएँगे सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर नोटिस के बारे में समझाते हैं और कैसे आपको इस ट्रेनिंग तक पहुँचनी है और यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है आपका निशुल्क यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कराया जाता है, ठीक है। नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता दें लड़कों के लिए जो है आपका लालगंज जो कि खेलगांव ये आपका रोड रांची में लड़का के लिए ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर का ये पता है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी स्पेशली लड़का के लिए। लड़की के लिए भी हम बताएंगे कि कहाँ आपका सेंटर होने वाला है। तो पहला अगर देख सकते हैं कि कोर्स का यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक ये आपका इलेक्ट्रीशियन जो कि लेवल 4, ठीक है, स्मार्टफोन असेंबली का यहाँ पे असेंबलिंग का ऑफ ये आपका ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑटोमेटिक जो है वायर मशीन ऑपरेटर का कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सोशल जो कि पीवी जो है
ये आपका कराई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फीटर का भी कराया जाता है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे बता दें कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो 12th पास कैंडिडेट या ITI किए हुए हैं तो इस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली यहाँ पे आप ट्रेनिंग सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 12th कैंडिडेट जो विज्ञान लिए हुए हैं यानी कि साइंस से जो किए हुए हैं या ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। 10th कैंडिडेट अगर 10th पास हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे न्यू कैंडिडेट जो करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं पास या ITI या डिप्लोमा कैंडिडेट जो है अब यहाँ अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे 10वीं कैंडिडेट के लिए रखी गई है, ये सब सारी ट्रेनिंगें रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं लड़की के लिए है, तो लड़की के लिए स्पेशली हम यहाँ पे बता दें लड़की के लिए अलग जगह रखा गया है जो कि टाटी शील वे, जो ये आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जो कि ये आपका लड़की के लिए स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसको क्या क्या सिखाई जाएगी, जो कि यहाँ पे स्विंग मशीन ऑपरेटर ये आपका सिखाई जाएगा, ठीक है। फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पे सिखाई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग यानी कि DCA का यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। स्मार्ट ये आपका इसको ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश स्पोकिंग का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। और अगर आप यहाँ पे 8 पास हैं तो यहाँ पे आप ईज़िली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लड़की के लिए था कि मिनिमम 8 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए क्या क्या आवश्यक प्रमाण पत्र होंगे चाहिए तो वो बता देते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासवर्ड साइज फ़ोटो और बैंक पासबुक का छाया प्रति लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे निःशुल्क दिया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क सुविधाएँ, आवास एवं भोजन यानी कि रहने और खाने का व्यवस्था, गुणवत्तापूर्वक ये आपका प्रशिक्षण यानी कि आपके जो वहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा वो भी फ्री होगा, क्लास पहचान पत्र दी जाएगी और यूनिफॉर्म 2 सेट दिया जाएगा, बैग कॉपी किताब पेन ये सारी चीज़ें आपको फ्री दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे दिया गया है झारखंड कौशल विकास योजना सेवा प्रस्ताव, जो कि ये आपका SGRS एकेडमी PVT LTD के द्वारा ये आपका यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। ये आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा ये आपको कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% जो है आपका गारंटी ली जाती है प्लेसमेंट का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री दी जाती है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा बता दें, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप यहाँ पे बात करके इस सेंटर तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर और भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 9934554646, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली बात कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको सेंटर तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। जैसे कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट जो करना चाहते हैं इसके लिए आप यहाँ पर इच्छुक हैं तो यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।